बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री इन दिनों ग्राउंड पर हैं, लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो नगोछिया और भागलपुर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने नगोछिया में बांध जो प्रभावित हुए थे, बाढ़ से जो इलाके प्रभावित हुए थे और जो बांध क्षतिग्रस्त हुआ था गंगा के जलस्तर में हुए दबाव के बाद से, जो बांध क्षतिग्रस्त हुआ था इस्माइलपुर के बांध का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही जो नवनिर्मित बांध है, जो बांध अभी निर्माणाधीन है, जो बन रहा है, उसका भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई दिशा निर्देश जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को दिए हैं कि इस बांध पर, खास करके इस्माइलपुर बांध जो इस बार टूटा था, उस पर हर वर्ष करोड़ों खर्च होते हैं लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। उस पर अगले साल इस तरह का नहीं हो, परमानेंट सॉल्यूशन खोजें और कटाव को रोकें, यहाँ पर जो बांध टूटता है उसको रोकें। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अगले वर्ष बांध नहीं टूटेगा या फिर बाढ़ आने के बाद इस बार जो है बांध नहीं टूटेगा। इस बार भी बांध नहीं टूटता लेकिन किस तरह से ये बांध टूटा है अधिकारी को भी समझ में नहीं आ रहा। मंत्री को दलील दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि कैसे टूटा है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। दो दिन पहले टूटने से, दो दिन पहले निरीक्षण किया गया था ना, वहाँ पर कोई सूचना थी कि टूटने की कोई बात सामने आ रही थी, लेकिन अचानक वो बांध क्षतिग्रस्त हुआ। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो स्लुइस गेट है दिया जाए और जो नवनिर्मित बांध है वहाँ भी स्लुइस गेट का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए ताकि अगले वर्ष जो है पूरी तरह से बांध पूरी तरह से निर्माण हो जाए बांध का और बाढ़ जो है वो नगोछिया के क्षेत्र को प्रभावित ना करे। साथ ही साथ कुछ देर में वो भागलपुर पहुँचेंगे और भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज DPS और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो पिछला हिस्सा जो गंगा के जल से प्रभावित होता है, बाढ़ से हर वर्ष प्रभावित होता है, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही उसको रोकने के भी कई दिशा निर्देश वो अधिकारियों को देंगे। वाला जो एक जगह था और मुख्यमंत्री भी जी भी आकर के ऊपर से सारा देख के गए थे उसको, तो आगे इसमें कैसे काम करना है और पीछे जो गंगा प्रसाद जमींदारी बांध है वहाँ पर भी काम किया डिपार्टमेंट के लोगों ने, एक बड़े पॉपुलेशन को बचाया जिस हिसाब से एक जगह सिंक करके और पानी आ गया था, तो आगे क्या करना है उसी के लिए हम लोग आज आए हैं। दो तीन इश्यू जो यहाँ के जो हमारे सांसद भी हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, तो उसके बाद हम लोग अभी सर्किट हाउस में बैठेंगे। आज जो मोटा मोटा चीज़ जो समझ में आया देख करके, और क्योंकि अर्ली बारिश हो गई, नहीं तो ये जो अभी आप देख रहे थे एंटी फ्लड स्लिस ये सब काम तो हो जाता, लेकिन जब यस आ गया मई में उसके बाद से जो काम भी हुआ था तो काम वहीं रुक गया था। तो इसको आगे कैसे ले जाना है, आगे और क्या क्या हो सकता है इसी के लिए। क्योंकि सर ये रिंग बांध एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है, और एक दो जगह हम तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे जो हम लोग देखे कि जितना मकई का ई लगा करके रखता है उसमें कैसे देखेगा इंजीनियर, ये भी तो देखना चाहिए। इंजीनियर तो जा ही रहा है बांध पर, अब उस नीचे से चूहा निकल गया या आपको सीपेज पाइपिंग होगा, अब पूरा बांध पर देखे कि मकई का ढट्ठा जो होता है वो रखा हुआ है तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो घुस के देख भी नहीं सकता। तो ये सब भी लोकली समस्या है, और जो ये एक अल्टरनेट रूट बन जाए और इसका काम कम्प्लीट हो जाए तो इसको फोकस करके जहाँ हम लोग खड़े हैं करीब 19 किलोमीटर का ये जो रिंग बांध है, एक अल्टरनेट रूट भी हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, तो इस पर काम बरसात के बाद इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। सर, इस्माइलपुर को बचाने के लिए आप किस तरह से लगातार खर्च किया जाता है प्रत्येक साल यहाँ? अरे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 साल से खर्च किया जाता है, तो आज जो जानकारी मिली जो जहाज आता है वो जहाज कट करके जाता है और जो स्पर हमारा है उसको डैमेज कर देता है। ये भी हम लोग भारत सरकार में उठाएंगे बात इस चीज को, करना चाहेंगे एक मिनट, इसको भी उठाएंगे हम लोग भारत सरकार में जा करके। और शायद नदी अपना कोर्स भी चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो आज भी बात किया है कि इस्माइलपुर बिंध टोली में क्या किया जाए जो परमानेंट सॉल्यूशन हो। हर एक साल डिपार्टमेंट के लिए भी एक ये चैलेंज है कि हर एक साल यहाँ पर आपको काम कराना पड़ता है, कुछ कुछ सुझाव आया है, अब जाकर के हम लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनियमितता क्या है, तटबंध टूटने के बारे में सर क्या कहा जाए? बता तो दिया कि सिंक कर गया, पूरा का पूरा दब गया, निगरानी नहीं हो पाई ना। बताया ना अभी आपको।